वेलकम बैक गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये सेमी स्टिच अनारकली गाउन। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये मार्केट से कुछ इस तरह से मिलता है जो रफली सिला हुआ होता है और बड़ी चाल रहती है इसकी, तो जो कच्चा भी रहता है और इसका कोई मेजरमेंट नहीं रहता। तो इसको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करने के लिए हम इसके सभी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। मार्केट से इसका नेक बना हुआ आया है, ये देखिए, और लाइनिंग इसके साथ जॉइंट है और ये इसकी स्लीव है। तो सभी पार्ट्स को मैं अलग कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी पार्ट्स को अलग कर लिया है। ये हमारी दो स्लीव है और वो टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट है और वो बैक पार्ट है। ये हमारा नीचे घेरा है जो मेन फैब्रिक है, और उसकी लाइनिंग के लिए वो वाला पीस था जो मैंने अलग कर लिया है। तो अब इन सबको हम कैसे कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉप पार्ट बिल्कुल एक स्क्वायर पीस है और नीचे पाइपिंग लगी है जो कवर की साइड में आएगी, तो उसको मैं इस तरह से रख लूँगी। और इसके ऊपर मैं ये फ्रंट पार्ट रख लूँगी। अच्छे से सारी लेयर को मैं मिला लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी लेयर को अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद हम इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे जो मैं 6.5 इंच रखूँगी। और यहीं से मैं इसकी आर्म होल की लेंथ रखूँगी, वो भी 6.5 इंच रहेगी। इसके बाद मैं यहीं से बस्ट का 4th पार्ट करूँगी और 1/2 इंच मैं इसमें लूजिंग लूँगी। तो इस तरह से ये 8.5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। और इसके नीचे मैं यहाँ पर 7.5 इंच की मार्किंग करूँगी जो हमारी कमर की चौथाई होगी। और इसकी लेंथ रहेगी 14.5 इंच जो हमने बनी बनाई आई है। तो हमने इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं किया, जितनी थी हमने उतनी ही लेकर इसको मार्किंग कर ली है। अब उसी मार्किंग पे मैं कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अंदर मार्जिन के लिए 2 इंच लिया है। इसके बाद मैं आर्म होल की फिटिंग के लिए एक नॉच लगाऊंगी हल्का सा, और एक नॉच मैं बैक पार्ट में लगाऊंगी नेक के लिए। और यहाँ से मैं कंधी का 1/2 इंच लेकर शोल्डर डाउन कर दूंगी और फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग भी मैं कर लूंगी आर्म होल की। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और दोनों पार्ट में लाइनिंग ज्वाइन हुई हुई है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैं ये देखिए दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाकर रख लूँगी। फैब्रिक काफ़ी वेवी है तो मैंने यहाँ पर पिन लगाकर सेट कर लिया है। अब स्लीव की लेंथ में 18 इंच लूँगी और यहाँ से मैं आर्म होल की चौड़ाई लूँगी, जो पूरा फैब्रिक लूँगी मैं 9 इंच पर इस तरह से, और नीचे से मैं 2.5 इंच पर तिरछा मार्क करूँगी और ऊपर की तरफ से भी मैं 2.5 इंच लूँगी और दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाऊंगी और आर्म होल की शेप दे दूंगी। और आगे से स्लीव ओपनिंग के लिए मैं 5.5 इंच लूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक स्लीव की शेप दे दूंगी और उसी मार्किंग पे मैं अब कटिंग कर लूंगी। गाइस, वीडियो यूजफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं स्लीव के ऊपर साइड से एक नॉच लगाऊंगी जो हमारा सेंटर का नॉच होगा, ये वाला। अब यहाँ से मैं एक लेयर उठाऊंगी और बीच की 2 लेयर पर एक्स्ट्रा मार्क कटिंग करूंगी जो हमारे फ्रंट पार्ट बनेंगे। तो ये हमारे पार्ट फ्रंट में आएंगे। अब इन पिन को मैं निकाल लूंगी। तो स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है, ये देखिए। इसके बाद हम नीचे घेरे की कटिंग करेंगे, दोनों घेरे की यानी लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसको मैं 4 फोल्ड करके रख लूँगी इस तरह से और अच्छे से सेट कर लूँगी और इसकी उतनी लेंथ लूँगी जितनी हमें ज़रूरत है। इसके टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच रेडी रहेगी और हमें टोटल लेंथ 52 के अराउंड चाहिए। तो यहाँ से मैं उसी के हिसाब से 52 में से 14 इंच माइनस कर लूँगी और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूँगी। देखिए, ये मैंने मार्किंग कर ली है। तो नीचे से मैंने यहाँ पर 39 इंच की लेंथ ली है और ऊपर मार्किंग कर दी है, और उससे 1 इंच कम मैंने लाइनिंग की मार्किंग करी है और नीचे से थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है इस तरह से, और ऊपर से मैंने मार्किंग कर ली है। इन दोनों में मैंने 1 इंच की लेंथ कम करी है और यहाँ पर थोड़ा सा कर्व शेप दिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर ली है और ऊपर से भी दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम गाउन की स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने बैक पार्ट लिया है नेक बनाने के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट का नेक बना हुआ है। तो इसका नेक बनाने के लिए मैंने
बैक पार्ट को पिन से सेट कर लिया है और फ्रंट पार्ट की कंधियों को इस तरह से मेजरमेंट करेंगे यहाँ से, और आगे की तरफ क्वार्टर इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा, यहाँ से मैंने क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और यहाँ से मैं 7 इंच की नेक की लेंथ लूँगी। तैयार 7 इंच की लेंथ रहेगी, उसके बाद मैं यहाँ से कर्व शेप दे दूँगी और इस मार्किंग पर मैं कटिंग कर लूँगी। नीचे से लेंथ में 1/2 इंच कम करूँगी क्योंकि यहाँ से स्टिच भी होगा, तो टोटल 7 इंच तैयार हो जाएगा। सभी पिंस को निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा ये नेक बन कट हो चुका है। इसके बाद हम इसको उल्टी तरफ टर्न करेंगे इस तरह से और दोनों नेक की शेप को मिलाते हुए यहाँ से 1 फुट का इसके स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे, छोटे छोटे नॉट्स लगाएंगे, ध्यान रहे कट लगाते हुए सिलाई कटे नहीं, यानी जो हमने सिलाई लगाई है उसमें कोई कट ना लगे, तो ध्यान से कट लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा नेक बन गया है। अब हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे तो ये नेक हमारा लाइनिंग में बना है, तो ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं कंधी ज्वाइन करूंगी, तो दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखते हुए ये इसकी यहाँ पर रखूंगी मैं, और इस फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ लाते हुए यहाँ पर मैं 1/2 इंच का स्टिच करूंगी, तो ये कंधी भी हमारी अंडरग्राउंड स्टिच हो जाएगी। तो ये देखिए हमने दोनों कंधियों इस तरह से ज्वाइन कर ली हैं। अब हम पीछे नेक पर किनारे पर एक स्टिच करेंगे जो हमारी प्रेस स्टिच होगी। तो दोनों स्टिच करने के बाद ये देखिए हमारा नेक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं दोनों की फिटिंग कर लूँगी, जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उस पर यहाँ पर। तो फिटिंग हमारी हो चुकी है टॉप पार्ट की। इसी तरह से मैंने ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसकी भी मैंने उतनी कमर पर फिटिंग की है जितनी हमारी टॉप पार्ट की है, और नीचे से घेरे को भी 1 इंच पर मैंने फोल्ड कर लिया है ये देखिए। और अब इसी तरह से मैंने जो हमारा मैन फैब्रिक है उतनी ही कमर लेकर मैंने मैन फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है यहाँ से। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगी जो हमारे ये नीचे बॉटम के पार्ट है, तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग वाले पार्ट को सीधा करना है इस तरह से और इसके ऊपर मैन फैब्रिक को रखना है। ये देखिए मैं सीधा इस तरह से रखूँगी और इसके अंदर से मैं ये निकाल कर दोनों के जो सर्कल है यानी जो कमर का राउंड है दोनों का यहाँ पर मैं गोल स्टिच कर लूँगी। दोनों की फिटिंग को हमने सामने रखते हुए साइड की और पूरे राउंड में एक स्टिच करूँगी। तो ये स्टिच हमारी हो चुकी है। अब दोनों पार्ट एक हो चुके हैं और नीचे घेरी में आप देख सकते हैं लाइनिंग में और मैन फैब्रिक में 2 इंच का फ़र्क है, क्योंकि हमने 1 इंच कट कम कट की थी लाइनिंग को मैन फैब्रिक से और 1 इंच हमने इसको अंदर से सिल दिया है, तो ये टोटल 2 इंच कम हो चुकी है। तो ये हमारी तैयार हो चुका है नीचे का घेरा। अब हम टॉप पार्ट लेंगे और दोनों के ये हमारे सेंटर के नॉच है फ्रंट के, दोनों के नॉच हम आमने सामने रखेंगे और एक सेम नॉच मैंने बैक में भी लगाया है जो सेंटर में रहेगा। तो इस तरह से मैं इसकी सेंटर निकालूंगी टॉप पार्ट का, दोनों की फिटिंग को आमने सामने रखते हुए। यहाँ से मैंने चौक की मार्किंग कर ली है ये वाली, तो इस चौक की मार्किंग मैं यहाँ पर नॉच के सामने रखूँगी और इसको स्टिच करूँगी। तो एक साइड से फिटिंग को आमने सामने रखते हुए यानी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट की फिटिंग को आमने सामने रखते हुए इस तरह से मैं चढ़ाते हुए स्टिच करूँगी 1/2 इंच के मार्जिन पर। तो सेंटर ये इसका सामने आ जाएगा और साइड की फिटिंग भी दोनों की एक साथ आ जाएगी, और इसी तरह से मैं पीछे भी कर लूँगी। तो ये फिटिंग हमारी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्टली, कोई झोल नहीं आया हमारी कमर में। तो इस तरह से हम अगर टॉप पार्ट और बैक पार्ट को लगाते हैं तो बड़ी परफेक्टली ही ये जॉइन हो जाता है। अब इसके बाद हम नॉर्मली स्लीव लगाएंगे जैसा हम लगाते हैं। तो गाइज हमारा गाउन बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। पहले कुछ और फिटिंग थी और बहुत ही कच्चा काम था, जो स्टिच थी उसकी बहुत ही कच्चे स्टिच पे सिला हुआ था, लेकिन अब जो हमने तैयार किया है वो परफेक्टली बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से है। ये मेरे कस्टमर का है तो ये मटेरियल वो खुद लाई थी, मैंने स्टिचिंग और चार्जेस पे इसको तैयार किया है, तो जो उनका मेजरमेंट था मैंने उसी के अकॉर्डिंग इस गाउन को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं नेक बिल्कुल परफेक्टली, कितना आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। ये बैक नेक है और यहाँ पर हम डोरी के साथ लटकन अटैच कर लेंगे गोल्डन कलर की, और ये हमारा फ्रंट नेक देख सकते हैं आप। तो ये पूरा गाउन का लुक है जो आप देख रहे हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि
क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक करने में कोई भी मेहनत कोई भी टाइम नहीं लगता। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक हमारी आइडियाज़ हमारे डिज़ाइन पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।